मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए रेलवे ने जमीन ले ली, लेकिन प्रभावित किसानों को, उनके परिजनों को नौकरी नहीं दी, जिसके चलते रीवा गोविंदगढ़ के बीच पटरी पर लेटकर आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन लगातार जारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसानों ने ट्रेन के पहिए रोके, कहा किसानों के साथ झूठा वादा केंद्र प्रदेश की सरकार कर रही, जब तक किसानों के साथ रेलवे कर रहा धोखाधड़ी, साफ तौर से आंदोलनकारियों का कहना। सांसद विधायक का घेराव करेंगे, मामला ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का। जमीन लेने के बाद रेल की पटरी भी बिछने लगी, लेकिन नौकरी का वादा भी साथ में था, वादा नहीं निभाया। वादा खिलाफी के प्रति प्रभावित किसानों का आक्रोश जैसे जैसे ट्रेन की पटरी गोविंदगढ़ की ओर बढ़ रही है, बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित किसानों ने जिसके चलते गोविंदगढ़ रीवा के बीच टेस्टिंग के लिए चलने वाली ट्रेन को भी रोक दिया। इतना ही नहीं, स्थानीय किसानों ने काम रोकते हुए चेतावनी दी कि जब तक ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में फंसने वाली जमीन के किसानों को, उनके परिजनों को नौकरी रेलवे नहीं देता, तब तक कार्य नहीं होने देंगे। हम आपको बता दें, गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पास विगत 15 दिन से प्रभावित किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनके द्वारा कार्य बंद कराया गया है, कभी ये रेलवे की पटरी पर भी जाकर लेट जाते हैं। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने में नजर आया। किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पुरजोर विरोध करते हुए स्थानीय विधायक और सांसद पर जमकर निशाना साधा, कहा रेलवे लाइन बिछाकर विकास बताने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, अगर थोड़ी भी शर्म है तो प्रभावित बेरोजगार रोजगार दिलाया जाए। इस आंदोलन का समर्थन करने पन्ना सतना के साथ भारी संख्या में प्रभावित किसानों के परिजन पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है, ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम स्टार्ट कर दिया, गोविंदगढ़ तक 20 किलोमीटर पटरी भी बिछा दी, लेकिन प्रभावित किसानों को नौकरी नहीं दी, जबकि साफ तौर से कहा था जिनकी जमीन फंसेगी उनको नौकरी भी मिलेगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। अब हम सांसदों का घेराव भी करने जा रहे हैं। सुनिए, हमने कुछ लोगों से बात की, उनका क्या कुछ कहना था। यहाँ जो गोविंदगढ़ में रेलवे के खिलाफ बैठे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, इनकी जमीन अधिग्रहण कर ली गई, और ये बेचारे किसान आज यहाँ इस ठंड में बैठे हुए हैं जायज मांगों को लेकर। इनकी जो मांगे हैं वो जायज है, रेलवे विभाग अन्याय कर रहा है, और हमारी ये मांग है कि तत्काल इनकी मांग पूरी की जाए और रेलवे विभाग इनको नौकरी दे। अगर नौकरी नहीं देता तो यहाँ के किसान, यहाँ के सांसदों का, चाहे वो रीवा के हों, चाहे सीधी के हों, चाहे सतना के, उनका घेराव करेंगे, और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यह चलेगा। और अगर 10 दिन के अंदर ये मांग पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा होगा इनके खिलाफ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, ये झूठे वादे करती है किसानों से, किसानों का शोषण कर रही है, और कोई भी जो जायज मांग है उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। इसी के लिए बेचारे ये किसान यहाँ बैठे हैं, और इसी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, और इनकी जो मांग है उचित मांग के समर्थन के लिए हम लोग यहाँ आए। विभूषण शुक्ला, संघर्ष करो। शर्मा, क्या आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यह है कि जो रेल में किसानों का भूमि अतिग्रहण किया गया है, उनको नौकरी दे, जो सरकार ने वादा किया था, वादा के खिलाफ किया, नौकरी नहीं दिया, आधे किसानों को दे दिया, आधे किसान बाकी हैं। रीवा सीधी सिंगरौली के किसान करीबन 4,500 नौकरी अभी बाकी है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इसी कारण मैं यहाँ धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन के पास 15 तारीख से, कोई अधिकारी नहीं आए, सिर्फ प्रशासन भर देते हैं। एसडीएम साहब आए कि आप लोग तो खोल दीजिए अनशन और नौकरी मिलेगी आपको। हमने कहा कि रेल मंत्री या डीआरएम कोई, हमारे किसान के यूनियन के नेता सुब्रमण त्रिपाठी जी से मैंने निवेदन, युवा लोग भी हैं जो नौकरी, हाँ, लोगों को भी नौकरी, तो
नौकरी मिलनी चाहिए, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं रेल नहीं चलूँगा, रेल चलेगी तो मेरी छाती से चलेगी। 15 दिनों से धरना यहाँ चालू है, मांग पूरी होती नहीं दिखाई देती, किस तरह का आंदोलन आपको रहेगा? आप आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने न्यायाधीश महोदय जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करना चाह रहा हूं कि रीवा सीधी सिगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन जो कि ललितपुर सिगरौली रेल लाइन के अंतर्गत आती है, उसमें जितने भी किसान प्रभावित हैं, जहां से ट्रेन की पटरियां गई हैं, सब बच्चों को रोजगार दिया जाए। आप कहते हो कि 2019 के बाद बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो आप रीवा सिगरौली रेल लाइन की आधारशिला कब रखी गई थी देख लीजिए। 2011 में इधर गोविंदगढ़ से लेके माड़ाबा, बाइंसा, पडोखर, बैशा, रीवा क्षेत्र, रीवा विधानसभा और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों की यहाँ की जमीन अधिग्रहित हुई थी, जहाँ पे आज आप यहाँ हैं। हमारे यहाँ के माननीय विधायक रीवा, माननीय सांसद जी सब ट्रेन चलाने की बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रेलवे का लेटर है, ये रेलवे विभाग ने हमें लेटर दिया, लगातार ये वादा खिलाफी करते रहे, महाप्रबंधक का घेराव किया, उसके बाद लेटर जारी हुआ कि रेलवे की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये समय सारणी है रेलवे की, रेलवे की समय सारणी है कि रीवा सिगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन, इस तारीख तक सब बच्चों को नियुक्ति, दस्तावेजों का सत्यापन, मेडिकल सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं ये प्रजातंत्र है कि तानाशाही है। हम अपने रीवा विधायक जी से और सांसद जी से कहते हैं, सांसद जी आप भी रेलवे की, पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट में अपलोड है, इसको पढ़ लीजिए, न्याय करिए। रेलवे अगर वादा खिलाफ ये 420 रेलवे कर रहा किसानों के साथ, आप सोच सकते हैं 10 साल से इन्होंने जमीनों के अधिग्रहण किया, उसके बाद पटरियां डल गई, मिट्टी डल गई और पटरियां डल गई, अब ये रेल चलाने लगे, लेकिन किसानों के बच्चों को वो भी ट्रैक मैन का रोजगार नहीं दे पाए। हम तो इन शर्मिंदा हैं, और ऐसा प्रजातंत्र क्या सोचा होगा वीर शहीदों ने जो ये प्रजातंत्र की दुहाई कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः जिला प्रशासन से और अपने माननीय सांसद, विधायक और रेल मंत्री, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि किसानों के सभी बच्चों को रेलवे में रोजगार आप दे दीजिए, जिनका भी भूमिका अधिग्रहण किया गया है, अन्यथा ट्रेन नहीं चलने दाएगी, या कि फिर किसानों की सबकी हत्या करवा दीजिए। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।